हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं यार आप लोग? आज हम लोग यार स्कूल से डायरेक्ट चले आए हैं, ड्रेस भी नहीं उतारी। ये हम रहे गौरव भाई अपने, और आज हम लोग आए हैं यार गौरव भाई के जस्ट घर के मतलब थोड़ा बगल में एक भूतिया पैलेस जो कहते हैं राजमहल, काफी पुराना है यार, राजा महाराजाओं के जमाने का है। तो वहीं पे हम लोग आए हैं आज घूमने। आपको अब दिखाते हैं चल के वहाँ के कैसा कैसा सीन है, वहाँ पे कैसे कैसे मतलब राजा महाराजा लोग रहते थे। तो कहते हैं कि ये बहुत थोड़ा भूतिया टाइप का है, रात में आ नहीं सकते, तो हम लोग दिन में ही चल के देख रहे हैं। समय बज रहे हैं दोपहर के 2:25, तो आपको चल के दिखा रहे हैं। तो ये हमारे सामने ही है, हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रास्ते में हम लोग हैं। तो चलिए, तो जो आप ये देख पा रहे हैं सामने वही है ये पैलेस या खंडर जो भी कह सकते हैं। तो इसके चारों तरफ बाउंड्री, यहाँ की जो मतलब है सरकार थी वो बाउंड्री चारों तरफ बनवा दी है यार, कि ताकि अंदर कोई वैसे जा ना पाए। और हमेशा इसमें ताला लगा रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी दीवार को कूद कर जाएंगे। इसमें कुछ खेती होती भी होती है, तो आप जो देख पा रहे वही है इधर। अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अपनी साइकिल यहाँ पे पार्क करके हम लोग यहाँ से जंप मारेंगे। तो ये छोटे वाले गेट में भी ताला लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग जंप मारेंगे। थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा मारते हैं। ओ आजा भाई, हम लोग कूद गए हैं। तो वो भाई जो देख पा रहे हैं पूरा बहुत पहले जंगल टाइप का थोड़ा हुआ करता था, उस पर पेड़ पौधे बहुत इस समय साफ कर दिए हैं, इधर देख पा रहे होंगे। तो इसके सामने जस्ट महल के सामने ही एक कुआं है बहुत पुराना, उसमें पहले आपको दिखा देते हैं। भाई कुछ हो ना अंदर, आपको डायरेक्ट कैमरा दिखा रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, बस वो बैग पड़ा हुआ है पुराना सा, और बहुत काला पानी है, काफी पुराना कुआं है। अब हम लोग अंदर चलते हैं। चल, दो ही लोग आए हैं भाई दोपहर में। तो ये राजा महाराजाओं के जमाने का कुछ उसी टाइप का लग रहा है, यहाँ पे टूट गया है, काफी पुराना होने की वजह से मिट्टी का बना था, सीमेंट नहीं हुआ करता था शायद उस जमाने में, ये टूट गया है। चला भाई गौरव भाई, भाई डर लग रहा अकेले जाने में। तो ये गाइस काफी उधर कमरे देख सकते हैं, काफी पुराना पुराना लग रहा है, सफाई वैसे बहुत अच्छे से की गई है। ये पहले रॉड लगा जो रेलवे पटरी होती है ना, उसी का उसी टाइप का बना हुआ है थोड़ा। हाँ वही भाई लग रही है मेरे को, काफी इसमें जड़ बड़ आ गया है। वो बहुत साफ कर दिया गया है गाइस, पहले बहुत एक बहुत जंगल टाइप का हुआ करता था, यहाँ पे आप आ नहीं सकते थे। ये इस महल का आंगन है, आपको ऊपर से चल के दिखाते हैं। तो अभी मैं सीढ़ी की तरफ चल रहा हूँ, और सीढ़ी मेरे को मिल नहीं रही, किधर है? चल भाई किधर गए यार, डरा रहा है मेरे को। ओ भाई ये कमरे हैं, मैं अकेले फिर भी जहाँ बहुत अंधेरा है आपको फ्रेंड्स कहा दे रहा हूँ। ये भाई कमरे हैं, ओ बहुत, ये बरगद का जड़ है, काफी अजीब टाइप का लग रहा है, शायद कुछ कैंपायर आग वग तापने के लिए होता होगा, ये पता नहीं क्या, मेरे को पता नहीं है। और बहुत सारे कमरे हैं, इसमें चलते हैं। ये बाहर से व्यू इसका, अभी ऊपर चलेंगे, वो होल टाइप का है पता नहीं क्या, उसको मैं जानता नहीं, झांकते उसके अंदर क्या है। वह सांप अपना बैठे हों, बहुत अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये पूरा उसका व्यू, एकदम पुराने जमाने के फिल्मों में जो आप देखते हैं वैसे पूरा व्यू है। यहाँ का राजा महाराजाओं का बाथरूम आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह का हुआ करता था, ये बहुत ज़्यादा पत्थर रखे। तो हम लोग इस समय आ गए हैं राजा महाराजाओं के बाथरूम में, तो बाथरूम काफ़ी यूनिक हुआ करती थी यार। ये आपको वो मेड बाथरूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से नीचे ये बाथरूम बहुत काफ़ी बड़ा हुआ करता थी, इधर से बाहर का रास्ता है। तो हम लोग अब चल रहे हैं ऊपर, चलो भाई ऊपर चलते हैं। पहले देख कमरे तो काफी इस समय साफ सुथरे कर दिए गए हैं, इसमें क्या है कुछ नहीं गाइस, आपको दिखा दे रहा हूँ। या ऊपर चलते हैं, सीढ़ी भाई किधर है, सीढ़ी आ जाओ। तो इधर से है गाइस सीढ़ी, मेरे को मिला नहीं था, मैं उस रास्ते चला गया था उस वाले। तो ये सीढ़ी, और ये नीचे
बहुत अच्छा बनाया है, पता नहीं क्या है खुफिया सुरंग होगा। और ये सीढ़ी यहाँ पे आप देख रहे हो कितना पुराना लग रहा है। ओ गौरव भाई चढ़ गए, ऐसा लग रहा है टूट जाएगी, लेकिन काफ़ी पुराना 1885 मतलब 100 साल तो हो गए होंगे, 150 साल और ज़्यादा। इस गैस बहुत ज़्यादा साफ़ कर देंगे। पहले जब आप आए थे हम लोग घूमने एक बार, तो इस पर एकदम बहुत सारे पेड़ पौधे झाल जंगल लगे हुए थे। और यहाँ से ऊपर से आपको दिखा दीजिए यहाँ का आंगन, यहाँ पे रात में भूतनी का नृत्य होता है। तो गौरव भाई बता रहे हैं कि कोई भोजपुरी मूवी का शूटिंग यहाँ पे हुआ था, भूतिया मूवी था, भोजपुरी वाले आए थे यहाँ पे शूट करने, इसी आंगन में शूट करके गए थे, कोई माटी नाम की मूवी थी, आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे। और ये पता नहीं क्या बीच में है आंगन, ये भी है क्या, उधर भी कमरे हैं, दो फ्लोर का है, तो छत पे एक दरवाज़ा लगा है, उसमें चलते हैं देखते हैं क्या है। तो गाइस भाई डर के थोड़ा कुछ हो ना जाए। ओ ये दरवाज़ा है, ये वही बाहर का कुछ सांप वाँप हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा आराम से देख के केयरफुली चलना चाहिए। ये कुछ ज़मीन जैसा लग रहा है, अजीब टाइप का, देखते हैं कि यहाँ पे ये ज़मीन जैसा लग रहा है कि ज़मीन है, लेकिन आप यहाँ से जाएंगे तो नीचे राइट आराम से सर फट जाएगी, गिरेंगे आप तो यहाँ से। यहाँ पे ये पत्थर का बनाया गया है, यहाँ पे टूट चुका है आधा, ये पेड़ इस पे लगा था, इसको काटते हैं पेड़ को। इसके ऊपर भी चढ़ चढ़ जाएंगे गौरव भाई, इसके ऊपर चल चढ़ते हैं इस पे। तो हम लोग इस पे ऊपर चढ़ रहे हैं अब, किधर से चढ़ें भाई, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है चढ़ने के लिए, इधर से यहाँ से यहाँ से। ओ भाई तो गाइस चढ़ गए हम लोग यार, अभी गिरने वाला था मैं यहाँ से, ये भी इसको धक्का मार के गिरा देते हैं। तो सबसे ऊपर हम लोग इस समय राजमहल के सबसे ऊपर हैं, तो यहाँ से फिर नीचे दिखा देना आपको, ये भाई पूरा व्यू राजमहल का। वो गौरव भाई पता नहीं क्या ये छत का आंगन हुआ करती थी, क्या है भाई ये बालकनी। यहाँ से आप आगे पूरा तुलसीपुर का व्यू देख सकते हो, उधर तुलसीपुर थोड़ा आउट एरिया में इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ऊंचा होता तो दिखाई पड़ता अच्छे से। तो इस पर मैं भी चढ़ जाता हूँ। ओ भाई सबसे ऊपर आ गए हैं इस समय राजमहल के एकदम बहुत टॉप फ्लोर में है। वहाँ पे एक मंदिर है, पता नहीं कौन सी किस चीज़ की मंदिर है, वहाँ पे काली जी का मंदिर है वहाँ पे, वो आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पे झंडा उड़ रहा है। इधर एक कमरा है काफ़ी पुराना यार भाई, ये अब ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, मुश्किल से 5 साल 10 साल, उसके बाद ये गिर पड़ेगी। मैंने बगस्तवारी कर दिया, ये गौरव भाई फेंको इसे नीचे, भाई कोई नीचे आ ना जाए उसका सर फट जाए। ओ ओ भाई यहाँ के जो होंगे लोग भाई, यहाँ से गिरोगे तो कुछ नहीं होगा, गौरव भाई कह रहे हैं बस पैर टूटेगा और सर फट जाएगी, बस इतना सा होगा और कुछ नहीं होगा, अब इतना ही चाहिए और क्या चाहिए, डायरेक्ट इंशाल्लाह हो जाओ सुभान अल्लाह। ओ यहाँ यहाँ से हम लोग कूदेंगे फिर से। वो भाई ये दीवार कितना गिरेगा तो लड़ने लग जाएगी, ये दीवार भाई एकदम किस एंगल में है, चौपर होती इधर से गिरे, ये भाई तो पूरा पहाड़ पत्थर लग रहा है। तो ये दीवार गिरने वाला है यार, काफी झुक गया है नीचे, बस पेड़ के जड़े हैं जो वही थाम के रखे हैं इसको, नहीं तो अब यहाँ से भाई कूदेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे धस जाए भाग से, कूदते हैं यहाँ से। हाँ तो हम लोग कूद गए यहाँ से, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते चलते हैं। ओ भाई इधर काफी कम एरिया है, कहीं चले गए नीचे तो सर तो पक्का फट जाएगी। इधर से भी ये एक सीढ़ी है, यहाँ से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पता नहीं क्यों लोग आने से डरते हैं दिन में, मतलब कुछ लोग डरते हैं कुछ लोग नहीं डरते हैं, और हम लोग तो वैसे 2 बजे आकर घूम गए, कोई दूर तक आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा है, दो ही लोग, लेकिन फिर भी भाई गाइस डर तो थोड़ा सा लग रहा था। मैं सोचा आपको दिखाऊं यार यहाँ का क्या सीन है, तो ये कुछ बहरी कंगना वाला मेरे को लग रहा है। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं यार घर, अभी स्कूल से आए हैं, ड्रेस भी नहीं निकाले हैं, ड्रेस निकाल के वहाँ पर खाना वाना खाएँगे तो फिर होगा।
आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो भाई यार लाइक कर दो, चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़। और भाई किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय टाटा सी यू।